प्रिय श्रोतागण एवं मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना, सुखी रहें, संपन्न रहें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। इस सम्मान के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग इसी तरीके से मेरे कार्यक्रम को देखते रहें। मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक कुंडली के बारे में, कुंडली का ज्ञान आपको प्राप्त कराऊँ। आज एक बहुत अच्छा युक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ, सूर्य बुध राहु ग्रह की युक्ति। ये कहीं मित्र हैं, कहीं शत्रु हैं, मगर आज आपको हम अच्छा बता रहे हैं कि सूर्य बुध राहु ग्रह कुंडली के किन किन भावों एवं राशियों में प्रशासनिक अधिकारी, विद्वान, उद्योगपति बनाता है। ये सुनिए, आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसकी कुंडली मेष लग्न की है, लग्न में मेष राशि है, उसमें अगर सूर्य बुध राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग कर्मठ होते हैं, तेजस्वी होते हैं, विद्वान होते हैं। जिसकी कुंडली तीसरे भाव में मिथुन राशि है, उसमें सूर्य बुध राहु की युक्ति है, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, स्वावलंबी विचार के होते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में सिंह राशि है, उसमें सूर्य बुध राहु की युक्ति है, ऐसे लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, विदेश संबंधी शिक्षा प्राप्त करते हैं, पूर्ण विद्वान होते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में धनु राशि है, उसमें सूर्य बुध और राहु बैठा हुआ है, दोस्तों क्या बात है, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति पाते हैं, इनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आता है, ये पूर्ण स्वतंत्र और स्वावलंबी विचार के होते हैं और कभी बेरोजगार नहीं रहते। जिसके कुंडली में ग्रहमय भाव में सूर्य बुध राहु की युक्ति है, ऐसे लोग पूर्ण भाग्यशाली होते हैं, इच्छा अनुसार नौकरी पाते हैं, इच्छा अनुसार उद्योग करते हैं, इच्छा अनुसार विद्वता प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग कई उद्योग के मालिक होते हैं, छोटा उद्योग करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोगों को सरकार से भी उच्च पद की प्राप्ति होती है। जिसके ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। आपके सहयोग के लिए मैं एक बार फोन नंबर फिर बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना करते हुए प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ, आपसे विदा ले रहा हूँ, नमस्कार।